नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में 19 मई तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज, बारिश के हैं आसार। झारखंड के गुमला, सिमडेगा, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर एवं गोड्डा जिले के कुछ भागों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। यहां मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी, इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इस क्रम में तेज हवाएं भी चल सकती है, इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और 19 मई तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार बताए हैं। रिम्स की कार्यशैली से हाईकोर्ट नाराज, रिम्स निदेशक को 100 करोड़ 50 हजार रुपये का जुर्माना। झारखंड के प्रसिद्ध सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज की दयनीय स्थिति को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में कल शुक्रवार को सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर रिम्स की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। खंडपीठ ने रिम्स की ओर से दायर रिव्यू पिटिशन को खारिज करते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, रिम्स निदेशक को 100 करोड़ किया। इसके साथ ही अदालत ने पूछा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू की जाए। दिसंबर तक देवघर, मधुपुर और गोड्डा से खुलेंगे 6 नई ट्रेनें, रेल मंत्री ने दी मंजूरी। दिसंबर 2022 तक देवघर, गोड्डा और मधुपुर से 6 नई ट्रेनों का तोहफा मिलेगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर रेल मंत्री अश्विनी बैसो ने नई ट्रेनों की मंजूरी दे दी है। इसे देवघर से कोडरमा, मधुपुर से दिल्ली वाया पटना, जसीडी से दिल्ली वाया गिरिडीह, कोडरमा देवघर से बेंगलुरु, गोड्डा से पटना और गोड्डा से कोलकाता के लिए नई ट्रेन खुलेगी। इन सभी ट्रेनों का शुभारंभ दिसंबर माह तक अलग अलग माह में होगा। झारखंड पंचायत चुनाव में पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए हुई रवाना, कड़ी सुरक्षा में, आज सुबह 7 बजे से होगी वोटिंग। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से लोहरदगा जिले के किसको और पेशावर प्रखंड और गोड्डा जिले के पुड़िया प्रखंड में पहले चरण में वोटिंग है। मतदान के लिए कल शुक्रवार को कुल 150 पोलिंग पार्टियां समाहरणालय परिसर से रवाना हो गई। इससे पूर्व गुरुवार को 21 पोलिंग पार्टियां प्रथम चरण के मतदान के लिए रवाना हुई थी। कल सभी पोलिंग पार्टियां को मतदान सामग्री के साथ रवाना किया गया। सभी पोलिंग पार्टियां के साथ उनके सेक्टर मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। कल सुबह 7 बजे यानी आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, दोपहर 3 बजे तक चलेगा। झारखंड पंचायत चुनाव निर्विरोध निर्वाचित 189 वार्ड सदस्यों को मिला प्रमाण पत्र। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के बीच रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड मुख्यालय में गहमागहमी के बीच शुक्रवार को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। वहीं निर्विरोध निर्वाचित 189 वार्ड सदस्यों के बीच प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया। चुनाव चिन्ह लेने के लिए प्रखंड मुख्यालय में सुबह से ही भीड़ लगी थी। मनपसंद चुनाव चिन्ह देख कई प्रत्याशी खुश दिखे तो कई में असंतोष देख गया। चुनाव चिन्ह मिलते ही प्रत्याशी बैनर पोस्टर बनवाने में जुट गए। मांडू प्रखंड में मुखिया पद के लिए 224 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। हेमंत सोरेन माइंस लीज आवंटन मामला में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 17 मई को। झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के माइंस लीज आवंटन मामले की सीबीआई से जांच कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर कल शुक्रवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले में सुनवाई की गई। अब 17 मई को स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। जैक 10वीं और 12वीं की परीक्षा का मूल्यांकन कार्य क्या शुरू, शिक्षकों को एक दिन में जांचनी होगी जाने कितनी कॉपी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली गई मैट्रिक और इंटर के क्या मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है। इस बार जमशेदपुर में कुल 7 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं और मैट्रिक के लिए 4 व इंटर के लिए 3 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। जिले के करीब 1050 शिक्षक शिक्षिकाओं को कॉपियों के मूल्यांकन कार्य में शामिल होने के लिए जैक की ओर से ज्वाइंग लेटर दिया गया है। जैक सूत्रों के अनुसार इस बार जून के तीसरे सप्ताह मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। झारखंड प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होगी परीक्षा। राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब परीक्षा होगी। झारखंड
शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। राज्य में अब शिक्षकों की नियुक्ति सहायक आचार्य के नाम से की जाएगी। 10 वर्ष की सेवा के बाद सहायक आचार्य सहायक प्रशिक्षक के पद पर प्रोन्नति पा सकेंगे। राज्य में वर्ष 2012 में बनी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है। जेक 11वीं के गणित का प्रश्न पत्र लीक कराने वाला गिरफ्तार, पूछताछ के दौरान खोले कई राज। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेक की 11वीं गणित की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने वाले युवक की विनय उत्पल को रांची साइबर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह मूल रूप से बोकारो जिला का जरीरी थाना क्षेत्र के पाथुरिया का रहने वाला है। वर्तमान में वह हाथमा बस्ती सरना टोली में किराए के मकान में रहता था। वह DSPMU में BSc द्वितीय वर्ष का छात्र है। उसकी गिरफ्तारी वहीं से हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ छत्तीसगढ़ सरकार का हेलीकॉप्टर, 2 पायलटों की हुई मौत। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार का एक हेलीकॉप्टर गुरुवार को रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पांडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया। उन्होंने लिखा, इस दुखद की घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संभल और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। देश में 90% वयस्कों व 5 करोड़ बच्चों को लगी वैक्सीन, COVID-19 वर्चुअल समिट में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दूसरे वैश्विक COVID-19 वर्चुअल समिट के दौरान कहा कि भारत के करीब 90% वयस्क आबादी और 5 करोड़ से अधिक बच्चों को COVID-19 वैक्सीन लगाई गई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 4 टीकों का उत्पादन करता है और इस साल उनकी 5 अरब खुराक बनाने की क्षमता रखता है। कर्नाटक कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को दी मंजूरी, अध्यादेश के जरिए होगा लागू। कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी। राज्य के गृह मंत्री आराग्य गारंदर ने बताया कि विधेयक को विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा, वो तब तक इसे अध्यादेश के जरिए प्रभाव में लाया जाएगा। विधेयक में जबरन धर्मांतरण पर 3 से 5 साल तक की जेल की सजा व 25,000 जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।